लोगों के बाल कुछ ज़्यादा ही झड़ते हैं तो कुछ लोगों के कम, कुछ लोग तो समय से पहले ही गंजे हो जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हॉट एंड स्पाइसी टॉपिक के बारे में, दैट इज़ हेयर फॉल, जो आजकल की जनरेशन को ज़्यादा ही फेस कर रही है। ये इसलिए क्योंकि अनजाने में हम कुछ ऐसी छोटी छोटी सी गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा हेयर डैमेज हो रहा है, जड़ों से बाल कमज़ोर हो रहा है और फिर हेयर फॉल हो जाता है। तो हेयर फॉल होते तो हम क्या करते हैं, हम एक दो वीडियोज़ देख करके हम हर वो चीज़ अपने बालों पर थोप लेते हैं। इससे कई बार रिजल्ट मिल भी जाते हैं लेकिन कई बार इससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सोल्यूशन जानने से पहले आपको जानना होगा कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हो जिसके कारण आपको हेयर फॉल हो रहा है, ताकि आप फ्यूचर में वो गलतियां ही ना करो, है ना। तो मेरे आज की वीडियो देखने के बाद आप रिलेट कर पाओगे कि अब तक आप कौन सी गलतियां कर रहे थे ताकि आप वो गलतियां ही ना करो। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखने वाले हैं उन गलतियों के बारे में जिसके कारण आपका हेयर फॉल हो रहा है, एंड ऑल्सो हम छोटे मोटे उपाय भी देख लेंगे जिससे आपकी हेयर फॉल स्टॉप हो। तो मैं आपको आज की वीडियो में कोई भी DIY होम रेमेडीज नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको छोटे मोटे उपाय बताने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले कृपया आप छोटी सी रूल्स फॉलो करें, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको ग्रे वाली जो लाइक का बटन है उसे क्लिक करके करना है, एंड ये मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स कलीग्स रिलेटिव के साथ शेयर करना है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके एक शेयर से कितने लोगों को हेल्प मिले इसलिए। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है यार, फटाफट कर दो सब्सक्राइब। मैं हूँ प्रतीक्षा, आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल एंड सिर्फ हेयर फॉल के बारे में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। या पहचानो कि इसमें से आप कौन सी गलतियाँ अब तक कर रहे हो। सबसे पहली गलती, कुछ लोगों को आदत होती है बाल धोने के बाद गीले बालों को ही कंघी करना। आपको जब बाल आपके गीले होते हैं तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ऐसे में अगर आप कंघी करते हो तो आपके जो नॉट्स वाले बाल है या अनसुलझे जो बाल है उसमें जोर पड़ता है एंड वो जड़ से टूटने लगते हैं। जिस तरह से गीले बालों में कंघी नहीं करते हैं उसी तरह गीले बालों को बांधना भी नहीं चाहिए। गीले बालों को बांधने से आपकी जड़ों पे जोर पड़ता है एंड वो जड़ से टूटने लगते हैं। कई बार हम वजन बढ़ाने के चक्कर में हम बहुत ही कम कैलोरीज इंटेक करते हैं, तो इस तरह के डाइट में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, विटामिन्स की कमी होती है, तो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स ना मिलने की वजह से हमारे बाल जड़ने लगते हैं। अगर आपको हेयर स्ट्रेटनिंग, कलरिंग करने की बहुत ज़्यादा आदत है या फिर आप रोज़ ही करते हो, देन यहाँ पे भी हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हेयर स्प्रे, हीट, ये सब यूज़ करने से आपके हेयर डैमेज हो जाते हैं एंड फिर हेयर फॉल। नींद पूरी ना होने की वजह से भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। ये मत बोलो कि गीले बालों को सुखाने के चक्कर में आप रोज़ हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हो। अगर करते हो देन सावधान हो जाओ, क्योंकि इसे करने से आप हेयर फॉल के शिकार हो सकते हो। अगर आप अपने काम से बहुत ज़्यादा परेशान हो या फिर आप स्ट्रेस लेते हो देन इससे भी आपके बाल झड़ सकते हैं। हमें बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि जंक फूड्स हमको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन आपको पता हो ना हो जंक फूड ऐसे खाना खाने से भी हमें हेयर फॉल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोटीन्स नहीं मिल पाता है एंड फिर हमें हेयर फॉल हो जाता है। स्काल्प में इन्फेक्शन है देन स्काल्प इन्फेक्शन की वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। हेयर फॉल को जेनेटिक भी माना गया है। अगर परिवार में पहले किसी को भी अगर हेयर फॉल की समस्या रही होगी देन आपको भी इसका सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है देन डैंड्रफ की वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। ओवर शैम्पू करने से भी आपके बाल झड़ सकते हैं, क्योंकि शैम्पू में मौजूद केमिकल्स आपके बाल को नुकसान पहुंचा सकता है। गलतियां नहीं बोल सकते हो, लेकिन ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कुछ लोगों में हेयर फॉल दिखाई देते हैं, जैसे कि लेडीज़ में प्रेगनेंसी के टाइम, मेनोपॉज के टाइम, चाइल्डबर्थ के टाइम ज़्यादा लाइक हेयर लॉस होता है, क्योंकि इस टाइम में हमारे बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, काफ़ी सारा अप्स एंड डाउन्स होता है जिसके वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं, एंड दिस इज़ अगेन रिवर्सिबल, उस टाइम के बाद ये बराबर भी हो जाता है। ये सारी गलतियाँ रीजंस के अलावा, धूल मिट्टी प्रदूषण में ज़्यादा रहना या सन एक्सपोजर में ज़्यादा टाइम काम करना या रहना या ज़्यादा स्मोकिंग करना, इन सब के वजह से भी आपको हेयर लॉस हो सकते हैं। मैं आपको कुछ छोटे मोटे उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपकी हेयर फॉल स्टॉप हो, तो उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए आप मेरी ये वाली टिप्स फॉलो करें। सबसे पहले टिप है, आप अच्छे से बैलेंस डाइट लें, आप जंक फूड अवॉइड करें, आप विटामिन ए विटामिन सी वाला फूड, कैरेट है, स्पिनच है, इसको सब इंक्लूड करें, एंड पनीर है, मिल्क है, एग्स है, लेंटिल्स है, चिकन है, ये सारी चीज़ आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। ओके, एंड नेक्स्ट इज आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, तो 2 से 3 लीटर पानी आपको दिन में पीनी चाहिए। नारियल पानी को भी आप अपने डाइट में इंक्लूड करें, नारियल पानी से भी आपके हेयर स्ट्रांग होते हैं, एंड जितना हो सके उतना आप स्ट्रेस से दूर रहिए। फिर आपको ओवर शैम्पू नहीं करना है, क्योंकि शैम्पू में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके बाल को डैमेज कर सकता है, तो आप ओवर शैम्पू ना करें। शैम्पू को आप डाइल्यूट कर सकते हैं, एंड शैम्पू करने के बाद हमेशा आपको कंडीशनर करना ही चाहिए, कंडीशनर आप कभी भी स्किप ना करें,
क्योंकि कंडीशनर करते हैं ना तो आपके जो हेयर क्यूटिकल्स है वो बंद होते हैं एंड आपके बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड कंडीशनर करते टाइम कभी भी आपको कंडीशनर स्काल्प में नहीं अप्लाई करना है, आप हमेशा कंडीशनर को आपके हेयर टिप्स में अप्लाई करें। दिन में आप 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें, अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है देन आप योगा मेडिटेशन ये सारी चीज़ आप कर सकते हो, मेडिटेशन इज़ द बेस्ट। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो मेरे बताए हुए टिप्स आप फॉलो करें। एंड अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो जो छोटी सी नोटिफिकेशन बेल है उसे भी हिट करें ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन सबको मिले। सो दैट्स इट, फिर मिलती हूँ एक और बेहतरीन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।